देखिए साउथ की पार्टी आएगी और क्या करेगी सब मेरे ख्याल में, देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर कट्टर विचारधारा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो संघ हो चाहे वो ओवैसी की विचारधारा। उसको अधिकार ये मिलना चाहिए ना कि आज एक मुसलमान का लड़का राजद से सवाल पूछ सके कि 40 साल जो हमने आपकी पार्टी को वोट दिया, हमारे वोट के दम पे चाहे आप लालू यादव जी हों चाहे राबड़ी देवी जी हों चाहे तेज प्रताप यादव हों तेजस्वी यादव हों मीसा भारती हों या आने वाली इनकी पीढ़ी बिना मुस्लिम वोट के क्या कर लेगी और क्या कर लेती। हमने आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपके पिताजी को मंत्री बनाया, हमने आपके पिताजी को नेता बनाया। तेजस्वी यादव मुसलमानों का वोट पे जीत कर आते हैं और इतने अहंकारी हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि मुसलमानों को सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन से भी ऊपर है। तो बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमान उनकी औकात दिखाते हैं। एक सवाल इसमें और आता है, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा कि मुस्लिम यादव समीकरण की आप चर्चा कर रहे थे। बिहार में 17% मुसलमान वोटर हैं, यादव 16% ही हैं। ये दोनों का एक कम्बिनेशन है जो कहा जाता है कि लालू यादव को या राजद को हमेशा से जिताता रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें, जदयू में एक भी कोई जीत करके नहीं आया, इन्होंने टिकट कुछ लोगों को दिए थे लेकिन कोई जीता नहीं, मुस्लिम ने इनसे किनारा किया। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी बाहर की पार्टी है, उन्हें वोट मिल जाता है, लोग उनके 5-5 विधायक जिता करके ला देते हैं, 8 विधायक जो है राजद के आ जाते हैं जीत करके। तो आखिर ये मुसलमान अब क्या चाहते हैं कि क्या इन्हें तेजस्वी यादव से लालू यादव से भरोसा उठा है? नीतीश कुमार से तो उठ ही गया है, तभी तो बाहर से कोई आकर के साउथ की पार्टी भरोसा जीत पाती है। देखिए साउथ की पार्टी आएगी और क्या करेगी सब मेरे ख्याल में, देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक कट्टर विचारधारा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो संघ हो चाहे वो ओवैसी की विचारधारा हो, कट्टर विचारधारा की कोई जगह हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो खूबसूरती है वो एकता, अनेकता में एकता की खूबसूरती है। और बात रही जहाँ तक कि मुसलमानों के कंसर्न में राजद के संबंध में आपने जो सवाल पूछा, तो आज मुसलमानों को अधिकार भी तो मिलना चाहिए ना, उसको अधिकार ये मिलना चाहिए ना कि आज एक मुसलमान का लड़का राजद से सवाल पूछ सके कि 40 साल जो हमने आपकी पार्टी को वोट दिया, हमारे वोट के दम पे चाहे आप लालू यादव जी हों चाहे राबड़ी देवी जी हों चाहे तेज प्रताप यादव हों तेजस्वी यादव हों मीसा भारती हों या आने वाली इनकी पीढ़ी बिना मुस्लिम वोट के क्या कर लेगी और क्या कर लेती। हमने आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपके पिताजी को मंत्री बनाया, हमने आपके पिताजी को नेता बनाया, हमारे बाप दादाओं ने आपको हमने सहयोग किया समर्थन दिया, मगर हमारा नंबर कब आएगा? बिल्कुल, कितने मुसलमान आप नाम गिनाकर दिखा दीजिए कि मुसलमान राजद के अंदर आज लीडर बने बैठे हैं। जो योग्य हैं उन्हें तो साइड कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव मुसलमानों का वोट पे जीत कर आते हैं और इतने अहंकारी हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन से भी ऊपर हो गए, तो बिहार के मुसलमान और देश का मुसलमान इनको इनकी औकात दिखा देगा और ये कहीं के नहीं बचेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। अगर 2005 के सीन को आप याद कीजिए जब रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे उस वक्त, और उन्होंने डिमांड रखी थी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट सीएम का होना चाहिए बिहार में, तभी हम किसी को समर्थन करेंगे। MY समीकरण का दावा करने वाले लालू यादव उस वक्त चुप्पी साध गए थे। देखिए MY समीकरण तो लालू यादव ने तो हमेशा या राजद ने तो मुसलमानों के पीठ में हमेशा छुरा भोंका, डर की राजनीति कराई, जो राजनीति भाजपा करती है कि मुसलमानों को मार दिया जाएगा काट दिया जाएगा। 15 साल से नहीं है भाजपा, मुसलमानों की हिफाजत कौन कर रहा है? अरे भाई मुसलमान सक्षम है इस देश में अपनी हिफाजत करने के लिए, और मुसलमानों को प्रोटेक्शन तेजस्वी यादव बचा लेंगे क्या? जो अपना परिवार नहीं बचा पाएंगे, जो अपना घर नहीं बचा पाएंगे, ये अपना कलेश नहीं बचा पाएंगे, हमारी हिफाजत करेंगे और हमको जाना चाहिए इनके पास अपने संरक्षण के लिए। तो ये सब डर की राजनीति किया गया है कि मुसलमानों को मार दिया जाएगा, मुसलमानों को काट दिया जाएगा। आज 15 साल से 20 साल से आपकी सरकार नहीं है, बताइए कि क्या हुआ? बिल्कुल, तो डर दिखाकर राजनीति करते हैं ये लोग। दूसरी चीज़ ये है कि जब पासवान जी ने ये बात कही, स्वर्गीय पासवान जी ने ये बात कही, तो ये बात सच है कि MY समीकरण के नाम पे वोट लेने वाले राजद के नेता
बड़ी बार मुंह से बाहर नहीं निकले, नहीं निकल पाए। और जब मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात हुई तो चुप्पी साध के बैठ गए कि हमारा तो फिर वंश ही खत्म हो जाएगा, हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। राजनीति तो इन लोगों की जागीर बन गई है ना आज। शहाबुद्दीन की अगर हम बात करते हैं तो वो अंतिम अंतिम तक राजद ने उन्हें अपने पार्टी में जोड़े रखा, क्या मकसद था? कुछ तो हुआ नहीं, अभी तो सब कुछ खुल के सामने आ गया। देखिए, जोड़े नहीं रखा, शहाबुद्दीन साहब का वो एक डेडिकेशन था और वो एक व्यक्तित्व था कि वो कभी बगावत नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, मगर सब कुछ अच्छा नहीं था, ये बात तो बहुत, उन्होंने अपने लफ्ज़ में कभी नहीं कहा, मगर सब कुछ अच्छा नहीं था ये बात बहुत क्लियर था। अगर सब कुछ अच्छा होता तो आज उनके, जब आप उनकी मौत हुई तो दर दर का ठोकर उसामा साहब को नहीं खाना पड़ता लाश को घर लाने के लिए या दफनाने के लिए, और तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली, अब दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली जा सकते हैं, मगर दिल्ली में बैठ के शहाबुद्दीन साहब के जनाजे में शरीक नहीं हुए और महीनों तक उनके घर नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अहंकार तो हो गया है, अहंकार जो हो गया वो अब इनको ले डूबेगा। परवेज जी, आखिरी दो सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें पप्पू यादव अपने पार्टी में जगह देंगे? दूसरी सवाल, तेज प्रताप यादव पर अगर कोई कार्रवाई हो जाती है, गुस्से में हो सकता है कि वो विधायकी से इस्तीफा तक दे दें, कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव के लिए जगह है क्या? देखिए, हम लोग तो खुले दिल के लोग हैं, हमने तो लोगों के मदद करने का बीड़ा ही उठा रखा है ना, हम तो सबको अपने दिल में जगह देते हैं, ना देने की तो कोई बात ही नहीं होती है। कोई हमसे मदद मांगेगा तो हम ज़रूर मदद करेंगे। तो इंतज़ार करेंगे आप, ऑफर नहीं करेंगे? लेकिन भाई, बड़े लोग हैं इनको क्या ऑफर हम लोग करेंगे, हम लोग छोटे गरीब और दबे कुचले लोग हैं, हम लोग तो गरीब जनता के लिए जीने वाले लोग हैं, हम लोग इतने बड़े लोगों को कहाँ ऑफर दे पाएंगे। तो मगर अगर कभी हमको अपनी मदद के लिए हम लोगों को याद करेंगे तो शिष्टाचार के नाते ही हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जब संकट, किसी भी प्रकार का संकट हो तो उसमें मदद करना चाहिए, ये मानव धर्म है और इस मानव धर्म का भी हम लोग पालन करते हुए उनको हम लोग जो भी मदद बन सके करेंगे, मगर आए तो पहले हमारे पास। तो ये थे हमारे साथ शाहान परवेज, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बिहार के वर्तमान सियासी घटनाक्रम पर खुलकर बातें की। खास करके उन्होंने पप्पू यादव को मिस किया, क्योंकि पूरा बिहार पप्पू यादव को मिस कर रहा है। बाढ़ जैसी आपदा है बिहार में, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री घूम तो रहे हैं, लेकिन जनता जिन्हें खोजती है असली हीरो पप्पू यादव को, उन्हें भी मिस किया जा रहा है। साथ ही साथ महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की अगर हम अलग से बात करते हैं सत्ता पक्ष की, तो हर दलों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आगे फिर किसी और से मुलाकात होगी, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए न्यूज़ PR।